गूगल ने छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी वारदात सामने आई है। पति ने पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। घरेलू विवाद पर पति पत्नी के बीच हुई तूतूमय में मारपीट पर पहुंच गई। बात इस कदर बिगड़ गई कि पति की पिटाई से महिला की मौत हो गई। पति की मार से अधमरी हुई महिला को रायपुर के एम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना रायपुर के सरोना इलाके में हुई है। सतनामी पारा में रहने वाली 35 साल की रेखा आदिल को उसके पति संजय आदिल ने मार डाला। संजय कचरा बीन कर गुजारा किया करता था और आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 3 दिसंबर को संजय का अपनी पत्नी रेखा के साथ विवाद हुआ था। संजय शराब पीता है, इसी बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ था। खाना बनाने तो कभी, घर के काम को लेकर संजय अपनी पत्नी को रोका टोका करता था। इसी वजह से दोनों के बीच हमेशा विवाद हुआ करता था। संजय की बहन ममता ने पुलिस को बताया कि इसी तरह विवाद करते हुए संजय ने रेखा को जमीन पर पटक कर गिरा दिया। इसके बाद उसके सीने पर चढ़कर घुटनों से मारने लगा। रेखा संजय का वजन और घुटनों के वार को झेल नहीं सकी और बेसुध हो गई। हड़बड़ाकर घर वाले उसे एम्स अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पाया कि रेखा के सीने और पेट में आई गंभीर अंदरूनी चोटों की वजह से उसकी मौत हुई है। पति ने बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से पत्नी की जिंदगी ही खत्म हो गई। फिलहाल पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है।